बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले ही दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित खुद को आसमान में समझती थी। चंद्रिका दीक्षित का एटीट्यूड कैसा था ये तो आप लोगों ने बिग बॉस में देखा ही। वेल, अब ये एटीट्यूड आसमान से सातवें आसमान पर हो गया है। जी हाँ, बढ़ गए हैं चंद्रिका दीक्षित के भाव। वेल, बिग बॉस के घर से बाहर आई चंद्रिका ने विशाल के खिलाफ कितना जहर उगला है आपने समय समय पर देखा ही होगा। हमने आपको चंद्रिका का इंटरव्यू दिखाया था, हमने आपको दिखाया था कि कैसे चंद्रिका ने कहा कि अरमान ने तो विशाल को एक थप्पड़ मारा, मेरे वाला होता तो गाड़ देता। चंद्रिका ने कहा विशाल को दो थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। चंद्रिका दीक्षित को विशाल की इस बात से एतराज था कि विशाल ने कृतिका को ऊपर से नीचे देखकर भाग्यशाली भैया बोल दिया था। चंद्रिका दीक्षित ने कहा कि विशाल की नजरें और नीयत दोनों ही गंदी थी, साफ साफ पता चल रहा है। वेल, चंद्रिका की इन सब बातों के बाद अब विशाल के भाई ने दिया है चंद्रिका को जवाब। विशाल के भाई ने चंद्रिका के इन बयानों पर कैसे रिएक्ट किया आप लोग खुद ही सुनिए। उसकी आंखों में आशिकी बल रही है, अरे बहन जाना वड़ा पाव बेचना है। तो भाई तू तो फिर वो अरमान से भी रह गया यार कि मेरा वाला होता तो गार देता, ये होता सही होता। उसकी आंखों में आशिकी बल रही है, मेरे को मालूम है अभी ये सब करके तू 50 रुपए का वड़ा पाव 60, 70 या 80 रुपए का कर देगी। वेल, ये तो कुछ भी नहीं, आपको बता दें कि चंद्रिका दीक्षित ने कहा है कि पहले मैं कहीं रिबन काटती थी तो 50,000 रुपया लेती थी, लेकिन अब वो 50,000 10 लाख भी हो सकता है। चंद्रिका दीक्षित माफ कीजिएगा, हमने ये कह दिया कि आप सातवें आसमान में हैं, हमें ये कहना चाहिए कि आप गलत फहमी में हैं। रिबन काटने के 10 लाख रुपए आपको कौन देगा? फाइनल कट, न्यूज डेस्क।